हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करेंगे। ये बहुत ही सुंदर और इजी डिज़ाइन है। इसके लिए हमने कुछ फंदे डाले हैं। ये देखिए फर्स्ट फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे, हमने बुन लिया। सेकंड फंदा हम उतार लेंगे। इसके बाद हम ये दो फंदे बुन लेंगे, एक फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। दो फंदे फिर बुन लेंगे और ये एक फंदा हम उतार लेंगे। दो फंदे बुन लिए, एक फंदा हमने उतार लिया। ये हमारी फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। दो फंदे बुन लिए, एक फंदा हमने उतार लिया। लास्ट में हमारे दो फंदे बचे, इनको हम बुन लेंगे। फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम सेकंड रो बनाएंगे। दो फंदे हम बुन लेंगे और ये तीसरा फंदा, ये हमने बिना बुने लिया था, इसे हम दूसरी सिलाई में ऐसे ही उतार लेंगे। दो फंदे फिर बुन लेंगे, ये फंदा हम ऐसे उतारेंगे फर्स्ट रो वाला। फिर हम दो फंदे बुनेंगे और ये बिना बुना हमने जो लिया था उसको हम ऐसे ही उतारेंगे। दो फंदे हमने बुन लिए, एक फंदा ऐसे उतार लिया। दो फंदे फिर बुन लिए, ये पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। जो बुने हैं उन्हें हम बुनेंगे फर्स्ट रो में और जो स्किप किए हैं उन्हें हम स्किप करेंगे। सेकंड रो कंप्लीट हो गई और ये सेकंड फंदा जो हमने स्किप किया था इसको हम सीधा बुनेंगे। देखिए धागा अपनी साइड लेंगे, ये दो फंदे हमने जो बुने थे इनको हम उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे और ये जो फंदा स्किप किया हुआ था ये देखिए इसको हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी साइड लेंगे, दो फंदे जो हमने बुने थे पहली सिलाई में उनको हम उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे और ये स्किप किया हुआ फंदा हम सीधा बुन लेंगे। दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये स्किप वाला फंदा जो है इसको हम बुन लेंगे सीधा। फ्रेंड्स ये हमारी थर्ड रो है। दो लास्ट वाले फंदे इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए थर्ड रो इस तरीके से कंप्लीट हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ रो बनाएंगे और ये पूरी रो हम उल्टी बुनेंगे। इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है।
इस तरीके से ही उल्टी बुन के पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फोर्थ रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिफ्थ रो बनाएंगे। हमने जो फर्स्ट फंदा है इसको बुना था एक फंदे को, और सेकंड हमने स्किप किया था। इस रो में हम दोनों फंदे बुन लेंगे, सीधा बुन लेंगे, और ये तीसरा फंदा हम स्किप कर लेंगे। फिर हम दो फंदे सीधे बुन लेंगे, तीसरा हम स्किप कर लेंगे। दो फंदे हमने बुन लिए, थर्ड फंदा हमने स्किप कर लिया। फिर दो फंदे हम बुन लेंगे, एक फंदा हमने स्किप कर लिया, और ये लास्ट वाला फंदा हम बुन लेंगे। ये देखिए, ये फिफ्थ रो है। अब हम सिक्स्थ रो में जो फंदा हमने बुना है उसे बुन लेंगे, और जो स्किप किया है उसे हम स्किप कर लेंगे, और ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिक्स्थ रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम सेवन्थ रो बनाएंगे, और इसके लिए हम जो फंदे हमने बुने थे उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, और जो हमने फंदा स्किप किया था उसे हम सीधा बुनेंगे। दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए, धागा पीछे किया, और ये स्किप किया हुआ फंदा हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी साइड लेंगे, दो फंदे जो हमने बुने थे उनको हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, और ये स्किप किया हुआ फंदा हम सीधा बुन लेंगे। दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तरीके से ये सेवन्थ रो हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, ये सेवन्थ रो कंप्लीट हो गई। अब हम एट्थ रो बनाएंगे, और पूरी रो हम उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एट्थ रो बनने के बाद ये डिज़ाइन इस तरीके से दिखने लगा। अब हम इसे थोड़ा सा और बुनकर आपको दिखाएंगे कि ये डिज़ाइन कैसा दिखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा डिज़ाइन है। आप भी बनाइए, और कमेंट्स करके हमें बताइए डिज़ाइन आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।